ज्वाइन करने के लिए आज सलमान भट्ट हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं, सेंट्रल पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो टेबल टॉपर्स हैं इस वक्त क्वाइड-ए-आज़म ट्रॉफी के। सलमान कुछ अपनी ओपनिंग रिमार्क्स देंगे, उसके बाद हम सवाल देंगे। सलमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है टॉप ऑफ द टेबल है इस टाइम पे सेंट्रल पंजाब, लेकिन कंपटीशन टाइट है। अभी दो राउंड्स बाकी हैं और एक मैच के पॉइंट्स का फ़र्क है मेरे ख्याल दो टीम्स से हमारा, सो वी कॉन्ट टेक इट लाइटली। अगले दो मैच भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इसकी इस स्टैंडिंग की वजह से आई थिंक ये राउंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और बड़ी इसमें आपको एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। जी सलमान, जब से आपका कमबैक हुआ है जी, अल्लाह का शुक्र है। ऑब्वियसली आई कीप ऑन वर्किंग और मैं अपने आप को मोटिवेट रखता हूँ, कोशिश करता हूँ, क्योंकि क्रिकेट इज़ द ओनली पैशन दैट आई हैव और अगर उसमें रहने का और कोई तरीका नहीं है अदर देन परफॉर्मेंस, तो इज़्ज़त भी ड्रेसिंग रूम में उसी प्लेयर की होती है, उसी को प्लेयर्स चाहते हैं कि हमारी तरफ से खेले, जो रन्स करता है या आउट करता है इन हिज कैपेसिटी परफॉर्म करता है, सो दैट इज़ द अल्टीमेट मोटिवेशन। और उसके अलावा ये कि ऑस्ट्रेलिया सबसे अच्छी बैटिंग पिचेस दुनिया में अगर कहीं पे हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया में है। सिर्फ आपने बाउंस के साथ कोप करना होता है, यू मस्ट लर्न कि आप जहाँ खेलने जा रहे हैं वहाँ पर कौन से शॉट्स मार सकते हैं और कौन से अवॉइड करने हैं, वो जितना आप वेल अवेयर होंगे उसको, जितना आपने प्रैक्टिस किया होगा उतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जब से आप दोबारा से कमबैक आपने किया उसके बाद दूसरे से, चाहे वो पाकिस्तान का पोस्ट के बाद जितनी भी क्रिकेट आपने खेली, परफॉर्मेंस बिल्कुल आपकी ज़बरदस्त रही, लेकिन उसके बावजूद टीम का ऐसा नहीं बना, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस में आपका होना टीम के लिए फ़ायदेमंद था। क्या समझते हैं कि देर हो रही है आपके साथ आपको टीम में शामिल करने के लिए? देखिए अल्लाह ताला की हर काम में बेहतरी है, मुझे नहीं पता इसकी क्या और लॉजिकल रीज़न है, ये तो आपको कोच या सेलेक्टर ही बता सकते हैं कि क्या इसकी वजह है। बहरहाल जहाँ तक मेरा ख्याल है कि एक्सपीरियंस ज़रूर यूटिलाइज़ करना चाहिए इस तरह की कंडीशंस में, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट इज़ नॉट समवेयर जहाँ पे आप कहते हैं कि जी हम आने वाले सालों की प्लानिंग कर रहे हैं, ये टेस्ट चैम्पियनशिप चल रही है, तो आई थिंक पाकिस्तान शुड प्ले विद द बेस्ट दैट दे हैव, नॉट कि जो हमने 10 साल बाद या 5 साल बाद प्लेयर बनाने हैं, हमें जो करंटली हमारा बेस्ट खेल रहा हो उन कंडीशंस को सूट कर रहा हो, एक टर्म है हॉर्सेज फॉर कोर्सेज, आई थिंक उसको अडेप्ट करना चाहिए स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। इट्स अ गेम ऑफ स्पेशलिस्ट, इसमें इफ एंड बट्स और दूर की सोच ज़्यादा जो है ना वो नहीं यूटिलाइज करनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन लेंगे सलमान से, प्लीज उसके बाद भी लोग वेट करें। जी साथी सलमान, आपने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट भी आप खेले, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्वालिटी स्पिनर्स की प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, टेस्ट मैच में अगर हम देखें लंबे स्पेल करने होते हैं, यासर शाह की इकोनॉमी काफ़ी हाई होती है, कंट्रोल बॉलिंग हमें नजर नहीं आ रही, क्या समझते हैं क्या वजह? स्पेशली यासिर की अगर बात करें तो उसकी पेस थोड़ी सी ज़्यादा है और लो ट्रेजेक्ट्री पे बॉलिंग करता है, टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स एट इंटरनेशनल लेवल वो पेस उसकी दुबई में जहाँ पे लो और वो पैचेस वाले पिचेस हैं वहाँ पर तो सूट करता है, लेकिन जहाँ पे पिचेस फर्म हो वहाँ पर फिर आपको थोड़ी सी पेस स्लो डाउन करनी पड़ती है और आई थिंक यहाँ पर वो थोड़ा सा लैक किया उसने। और पाकिस्तान में क्वालिटी स्पिनर्स का ना होना इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ द पिचेस दैट वी हैव ओवर द ईयर्स, आप बहुत ज़्यादा ग्रीन पिचेस और इस तरह के बॉल इस्तेमाल करते रहे कि फास्ट बॉलर ही इफेक्टिव होते थे वहाँ पर, तो फिर स्पिनर्स ने उतनी क्रिकेट खेली ही नहीं कि वो डेवलप होते, और जो आए हैं स्पिनर्स उनको T20 के रूट के थ्रू आप पाकिस्तान में लेकर आए हैं, जब तक फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस नहीं होगा, एम्फोसाइज 4 दिन की क्रिकेट पर नहीं होगा, तो आपको अच्छे टेस्ट स्पिनर्स नहीं मिल सकते। वो T20 का फॉर्मेट सारे फील्डर पीछे होते हैं, 4 ओवर करने हैं ना, उसमें आपका टेम्परमेंट टेस्ट होता है, प्रोटेक्शन पूरी होती है, टेस्ट में जब आपको अटैकिंग पोजीशंस के साथ गैप्स के साथ बॉलिंग करनी पड़ती है तो बड़ी प्रिसाइज लाइन होनी चाहिए, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले बगैर नहीं आ सकती। थैंक यू सलमान।